दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय वर्मा संस ज्वेलर्स चौक बाजार सोलन। दिवाली की रात दो अलग अलग जगहों में आग लगने से करोड़ों का नुकसान हुआ है। पहला मामला सुंदरनगर के सलापड़ का है, जहां संजय पवार की एक कबाड़ की दुकान में दिवाली की रात आग लगने से करोड़ों का कबाड़ जल गया। आग लगने से लाखों रुपयों की मशीनों को भी नुकसान पहुंचा है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मोर्चा संभाला और रात 12 बजे तक आग पर काबू पाया। हालांकि आग लगने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। वहीं दूसरे मामले में दिवाली की रात को आतिशबाजी के कारण जयसिंहपुर उपमंडल के रिट गाँव में कल्याणचंद का खाली पड़ा पुराना 2 मंजिला स्लेट पोश मकान जलकर राख हो गया। आग लगने से करीब 4 लाख का नुकसान हुआ है। मकान में 3 भाइयों ने अपना पुराना सामान, पेटियां इत्यादि व गांव की कमेटी का टेंट, प्लास्टिक की कुर्सियां आदि सामान रखा था। बताया जा रहा है कि रात को किसी व्यक्ति ने आतिशबाजी चलाई, जो मकान के अंदर चली गई और सामान की आग पकड़ने से सामान के साथ मकान की छत व अधिकतर हिस्सा जलकर राख हो गए। थाना प्रभारी अश्विनी शर्मा ने बताया, रात को पुलिस टीम ASI जसवंत सिंह की अगुवाई में रिट गांव पहुंची और कल्याण चंद व उनके भाइयों के बयान दर्ज किए, जिसमें उन्होंने किसी पर भी इस घटना के लिए संदेह नहीं जताया है। SHO ने बताया कि संभवतः आग रात को हुई आतिशबाजी के कारण लगी है। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा और जयसिंहपुर से मुनीश सूद।